हेलो फ्रेंड्स, आशा किचन में आपका स्वागत है। मैं आशा अग्रवाल आज आपको आलू गाजर का पानी का अचार बनाना बता रही हूँ। इसे हम आलू गाजर कांजी भी कह सकते हैं। इसे एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। यह हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे यहाँ बनाते। मैंने कुछ गाजर ली हैं जिन्हें मैंने धो करके छील लिया है। अब मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। बीच का जो व्हाइट पार्ट है इसको मैं निकाल दूंगी। देखिए ये हमारी सारी गाजरें कट गई हैं। अब 1 मिनट के लिए मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी। देखिए ये मैंने पतीले में पानी उबाल लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। देखिए मैं ये उबलते हुए पानी में ये गाजरें डाल रही हूँ और इसे हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब मैं इनको एक स्ट्रेनर की सहायता से छान लूंगी, सारा पानी इसका निकल जाएगा। देखिए ये जो स्टेन करी गाजर हैं इन्हें मैंने बाउल में कर लिया है और इसके साथ ही ये मैंने 3 आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल करके छील लिया है। ये मीडियम साइज के आलू हैं। इन्हें इस तरीके से हम काट लेंगे। देखिए ये मैंने दोनों सामग्री तैयार कर ली है। आलूओं को मैंने इस तरीके से काट लिया है और गाजर मेरी ये लंबी लंबी कटी हुई है। अब इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। आइए इसमें डलने वाले मसाले मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पीली सरसों ली है जिसको मैंने मिक्सी में दरदरा कर लिया है और ये हल्दी है ली है मैंने पिसी हुई। ये हींग ली है, ये कुटी लाल मिर्च है और ये नमक है। मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने ये नमक सेंधा लिया है। आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। और इसमें डालने के लिए मुझे कुछ गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने ले लिया है 3 गिलास पानी। ये मैंने 3 गिलास पानी लिया है। जो नाम में 700 ml है इसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें सरसों डाल रही हूँ और 1 पिंच मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 दिन के लिए ऐसे फॉर्मेट करने के लिए रख देंगे जिससे कि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। यदि हम इसी स्टेज पर आलू और अपने गाजर डालेंगे तो वो उनका खराब होने का चांस रहता है। ये देखिए 24 घंटे बाद इसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अच्छा सा फॉर्मेट हो गया है और मैंने इसे कांच के जार में डाल लिया है। और अब इस स्थिति पर मैं इसमें ये अपने उबले हुए आलू गाजर में डाल देती हूँ। इस अचार को बनने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और यदि आपको आपके घर में अच्छी से धूप आती है तो इसको आप 1 दिन के लिए इस तरह से धूप में भी रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसका ढक्कन ना लगाएं और इसे जाली से ढक करके रखें तो ये जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए अब ये मेरा अचार तैयार हो गया है। इसको बनने में 3 दिन लगे। अब इसमें अच्छा सा खट्टापन आ गया है और सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें
खुशबू दे रहा है। यह अचार हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बना है और इसे हम खाने के साथ भी खा सकते हैं, अपने पूरी सब्जी के साथ खा सकते हैं। और ये अचार सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारा इससे पेट भी क्लीन होता है और होली पर तो सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना इसका अच्छा कलर आया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको एक बार बना करके ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और कैसा बना आपका अचार। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।